जय हिंद बच्चों, आज हम 10th क्लास मैथमेटिक्स जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के पार्ट 4 की ओर हैं। पार्ट 4, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, राइट। जिसमें हम लोग समेशन के बारे में पढ़ा था प्रीवियस वाले टॉपिक में, हमने सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एंड एपी के बारे में डिस्कस किया था। इसी के रिगार्डिंग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जिसको आज हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। उसके कुछ एक्सेलेंट एग्जांपल हमारे पास हैं, जो कि फर्स्ट वन हम देते हैं एग्जांपल के तौर पे, सम ऑफ दोज इंटीजर्स। सबसे पहले मैं बार बार बोलता हूँ, व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। नाउ सबसे पहले आप इसको याद रखें, एक फार्मूला है कि सम ऑफ एन टर्म्स एसएन इज इक्वल टू एन अपॉन टू मल्टीप्लाई बाई टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एक दूसरा कंसेप्ट और भी है इसके साथ, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ऑफ ए प्लस एल, आई मीन वेर एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म। आपने समझ में आ गया होगा कि ये दो फार्मूले हैं, एक ही फार्मूले के दो रूप हैं, इसको आप याद कर या तो या नहीं तो या, इन दोनों में से किसी एक का यूज होता है सम के लिए। अब जरा क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, सम ऑफ दोज इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 500, बिटवीन 1 एंड 500, आप याद करना इस बात को क्या लिखा हुआ है, बिटवीन 1 एंड 500 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 5, जो कि 2 या 2 के मल्टीपल तो हो ही, साथ में 5 की भी मल्टीपल हो, यानी याद कर जाना है बिटवीन है, बिटवीन वाले केस में बिटवीन 1 एंड 500 लिखा हुआ है, 1 एंड 500, सो इसका मतलब 1 भी एक्सक्लूड होगा और 500 भी एक्सक्लूड होगा, तो 2 एज वेल एज 5 लिखा हुआ, 2 एज वेल एज 5, यानी मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5 का मतलब हुआ कि वह 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी डिविजिबल हो, वह दोनों की प्रोडक्ट दैट इज 2 इंटू 5 10 की मल्टीपल्स हो, या आप इसको काउंट करना है सिर्फ 1 एंड 500 के बीच में 10 की मल्टीपल्स, दीज नंबर्स आर 10, 20, 30, 40 अप टू डॉट डॉट, है ना, यह कहाँ तक होगी, 490 तक होगी। एक्चुअली क्या है, हमारे जो रेंज है वह 1 और 500 के बीच में, बिटवीन लिखा होगा बिटवीन 1 एंड 500, इट मीन्स 1 भी एक्सक्लूड होगा और 500 भी एक्सक्लूड होगा, एंड इट शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5, इसका मतलब दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, 10, 20, 30, 40 डॉट डॉट अप टू 490, ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म करता है। और इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखना क्या है आपको, हियर ए इज इक्वल टू 10, जो पहले आती वैल्यू वह फर्स्ट टर्म होती है, एंड डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 20 माइनस में 10 विच इज इक्वल टू 10, एंड लास्ट टर्म ए एन इज इक्वल टू 490। अगर मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता होता तो हम डायरेक्ट सम को फाइंड कर लेते, पूछा कि सम ऑफ दोज इंटीजर्स, इसके लिए हमने क्या करना है, याद कर जाना है कि हमें इसको डिराइव करेंगे कैसे। अब इसको पहले खोल लेते हैं हम एक बार, यह होगा कि नाउ वी नो दैट ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टी, 490 विच इज इक्वल टू ए की वैल्यू 10 हो जाएगी प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई 10, इट मीन्स इसको हम सिंप्लीफाई करें, यह वैल्यू क्या आएगी, 490 माइनस में 10 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू एन माइनस वन। यूजली आप सॉल्व करें तो क्या हो जाएगी, 480 इज अपॉन में 10 इज इक्वल टू एन माइनस वन, ये कैंसिल किया, एन माइनस वन इज इक्वल टू 48, एन इज इक्वल टू 49, देयर आर 49 नंबर्स इन ऑल, कुल मिला के 49 नंबर्स मुझे पता हो गया। अब बट मुझे पूछता क्या है, सम ऑफ दोज इंटीजर्स बिटवीन 1 एंड 500 विच आर मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5, जो 2 या 5 की मल्टीपल्स होनी चाहिए, तो हमने नंबर तो फाइंड कर लिया, नाउ वी हैव टू फाइंड सम ऑफ एस एन, एस 49, देयरफोर एस 49 इज इक्वल टू व्हाट, 49 अपॉन में 2, इस फॉर्मूला का आप यूज़ कर सकते हैं, इसका या किसका, किसी का भी यूज़ कर लें, क्योंकि हमें मुझे फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है, सो इट इज़ बेटर टू यूज़ दिस वन, यह ज़्यादा आसान होगा, 49 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई ए फर्स्ट टर्म दैट इज 10 प्लस एल लास्ट टर्म 490, वेरी सिंपल, 49 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाई 500 दैट इज सिंपल 250, मल्टीप्लाई करो 225 दैट इज 22, 25 फोर 100 और 122,
हैमिंग 12,250 इज द रिक्वायर्ड सम ऑफ द गिवन नंबर्स। आई मीन फाइनली क्या हुआ, इस क्वेश्चन को समझिए, इस क्वेश्चन को हमने तीन और एक साथ लिखा है, इसके पीछे एक लॉजिक है कि इन क्वेश्चंस में थोड़ा सा लिटिल बिट डिफरेंस देखने को मिलता है। पहला इसमें बिटवीन लिखा हुआ है, बिटवीन वी हैव टू फाइंड इंटीजर्स बिटवीन 1 and 500, बट दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 एज वेल एज 5, इट मींस या 2 से भी डिविजिबल हो और 5 से भी हो, इसका मतलब 2 और 5 से नहीं, 2 एज वेल एज 5, इसका मतलब यह हुआ कि 2 से भी और 5 से भी। देखिए इस केस में हमने क्या लिया नंबर, इस केस वाले केस में हम देखेंगे 10, 20, 30, 40 जो नंबर्स हैं वो 2 से भी डिविजिबल हैं और 5 से भी डिविजिबल हैं, याद रखिएगा। लेकिन दूसरे वाले केस में कंसेप्ट थोड़ा सा पलट जाता है, यहाँ लिखा हुआ फ्रॉम 1 to 500, इसका मतलब 1 भी काउंटेड है और 500 भी काउंटेड है, इसमें एक्सक्लूड नहीं करना है। सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 5, इट मीन्स यानी यह भी काउंट होगा और यह भी काउंट होगा, आई मीन फर्स्ट लास्ट बोथ नंबर शुड बी इंक्लूडेड। तो इस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट अभी शॉर्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर है। सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 5, आई मीन वी हैव टू फाइंड मल्टीपल्स ऑफ ध्यान देना 2 एज, आई मीन 1 से भी सर काउंट करेंगे, 1 से लेकर 500, 1 to 500 देखना है मुझे, क्या देखना है, वी हैव टू फाइंड मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 5, आई मीन मल्टीपल्स जो है वो 2, इस केस में भी वही नंबर आएंगे, यहाँ पर याद कर जाना कि 10, 20, 30, up to 500 तक, क्यों, क्योंकि इसमें 1 भी काउंट होगी और फर्स्ट भी और लास्ट भी, चूंकि यहाँ लिखा हुआ है फ्रॉम 1 to 500, यह याद रखना है। उसमें क्या था, बिटवीन, इसलिए हमने इनको एक साथ रखा है ताकि इस तरह से अगर कोई कन्फ्यूजन जनरेट होता है आप उसको आसानी से उसको आइडेंटिफाई कर पाए। आई मीन हेयर एट फॉर्म्स एन ए पी, हेयर एट फॉर्म्स एन ए पी, आई मीन हेयर ए इज इक्वल टू, आई मीन 10, डी इज इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दैट इज 10, आई मीन सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देते हैं। अब फाइनली क्या हुआ, ए एन लास्ट टर्म इसकी वैल्यू 500 है, इट शुड बी सॉल्व, ये इसको सॉल्व किया जाना चाहिए, और एन की वैल्यू क्या होती है, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई डी विच इज इक्वल टू 500, एंड इसको हम सॉल्व करें तो ए की वैल्यू क्या होती है, 10 प्लस में ए माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल टू 500, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 500 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10। अब इसको ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू हम इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं, 500 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, आई मीन एन माइनस 1 इज इक्वल टू 490, आई मीन 49, देयरफॉर एन की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एन इज इक्वल टू 49 प्लस में 1 विच इज इक्वल टू 50, एन की वैल्यू 50, देयर आर 50 नंबर्स इन ऑल, जब मुझे पता हो गया इसके बीच में कितने नंबर्स हैं, 50 नंबर्स हैं विच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 5, जो कि 2 की मल्टीपल्स तो हैं ही, साथ में 5 की भी मल्टीपल्स है, इस केस में एन की वैल्यू 50 हो गई। अच्छा, जब एन 50 हो गई तो इसके सम भी फाइंड करें, सम ऑफ दोज इंटीजर्स वी हैव टू फाइंड सम, नाउ वी नो दैट, नाउ वी नो दैट, अब हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कि एस एन इज इक्वल टू एन अपॉन 2 ऑफ ए प्लस एल, एल इज इक्वल टू लास्ट टर्म, देयरफॉर एस 50, देयर आर 50 टर्म्स इन ऑल, सो 50 अपॉन ए 2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट टर्म दैट इज 10 प्लस लास्ट टर्म, लास्ट टर्म कितनी है वैल्यू इसकी, 500 है, 500, सो आई मीन 25 into 510, सो 0, 25 और 2, 12,750 इसके आंसर आ जाए, राइट। इस तरह के क्वेश्चन को हम समझ पाए, राइट है ना। अब ठीक इसी तरह के क्वेश्चन के साथ साथ इन दोनों में हमने अंतर महसूस किया, मैं बार बार इसको फोकस करता हूँ कि बिटवीन और फ्रॉम 1 to 2 इतना, आई मीन एक्सट्रीम लेवल को भी काउंट करना होता है जब इस तरह की रेंज दे रखे हों। इस केस में फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स को हमको आई मीन एक्सक्लूड करना होता है, इसमें इंक्लूड करना होता है, मेन कंसेप्ट यही था। और दूसरी तरफ मल्टीपल्स ऑफ 2 एज वेल एज 5 का मतलब क्या हुआ, जो 2 से भी डिविजिबल हों और 5 से भी डिविजिबल हों, इन बेसिक कंसेप्ट को आपको समझना है। एंड इसी तरह थर्ड क्वेश्चन के साथ भी क्या है कि सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 500, फ्रॉम आई मीन वी हैव टू टेक दिस वन,
हमें यही वैल्यू लेना है. आई मीन स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 500 व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 or 5. ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट दे रहा है. 2 or 5 यानी इट मे बी 2 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल. तो पहला काम क्या करना है कि मल्टीपल्स ऑफ 2 फाइंड कर लो. दूसरा प्लस करो, मल्टीपल्स ऑफ 5 प्लस किया. अब इसमें कुछ ऐसे भी वैल्यू हैं जो 2 और 5 दोनों से कटने वाले हैं, राइट है ना. तो उनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेना है ताकि वह एक ही चीज़ दोबारा रिपीट ना हो जाए. ध्यान से सुनिए इसको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ. मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5 मल्टीपल, इट शुड बी मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5 का मतलब या 2 से डिविजिबल हो या 5 से डिविजिबल हो. तो पहली बात जो 2 की मल्टीपल उसको फाइंड कर लीजिए, दूसरा 5 की मल्टीपल उसको फाइंड कर लीजिए. अब इसमें से माइनस कर लीजिए 2 and 5 दोनों, आई मीन 10 की मल्टीपल्स. यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 10 जो है ना, मल्टीपल्स ऑफ 10 आई मीन जो दोनों में कॉमन है उसको उसमें से माइनस करें. इसकी वैल्यू फाइंड करो, मल्टीपल्स ऑफ 2 मल्टीपल्स ऑफ 2 प्लस कीजिए मल्टीपल्स ऑफ 5 दो चीज हुआ. और इसमें से माइनस कर लो मल्टीपल्स ऑफ 10 को ताकि हमें यह चीज 2 और 5 वाले केस हमें आसानी से फाइंड आउट हो जाए. इसके लिए हमें क्या करना है कि मल्टीपल्स सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 500 व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 और 5 है. इसको फाइंड करने के लिए मैंने बताया कि वी हैव टू फाइंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई मीन नंबर ढूंढना है कहाँ से, 1 से लेकर के 500 के बीच में. 500 आई मीन जो कि पहला काम मल्टीपल्स ऑफ 2. पहला काम क्या करना, मल्टीपल्स ऑफ 2, 4, 6, 8 अप टू कहाँ तक, 500, राइट है. पहले तो इसका सम निकालना है, राइट है ना. इसके सम क्या होंगे सो फाइंड करना है. तो इसके लिए क्या करना है, ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी. डी की वैल्यू 4 - 2 दैट इज ऑल्सो 2. आई मीन ए और डी मुझे पता होगी, पता चल गया, राइट है ना. ए एंड डी इज नोन, राइट. अब नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है, चूंकि लास्ट टर्म पता है ए की वैल्यू क्या है. ए एन इज इक्वल टू 500. ए एन को क्या लिखेंगे हम, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू में 500. अब इसमें क्या है, ए की वैल्यू कितने, 2. 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आई मीन 2 इज इक्वल टू में 500. यानी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 500 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 498 है ना, डिवाइडेड बाई 498 डिवाइडेड बाई 2 हमें 249. एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 249 प्लस में 1 दैट इज 250. एन इज इक्वल टू 250. देयर आर 250 नंबर्स इन ऑल व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 2 व्हिच आर मल्टीपल्स ऑफ 2. सो देयर सम आई मीन यस 250 इज इक्वल टू 250 डिवाइडेड बाई टू एंड ए प्लस ए 2 प्लस में 500. ये जो हमारा बेसिक फार्मूला था क्या कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ऑफ ए प्लस एल, इसका हम यूज़ करते हैं जहाँ एन नंबर ऑफ टर्म्स होता है, ए फर्स्ट टर्म है और ए लास्ट टर्म है. सो इसकी वैल्यू हमने क्या निकालना है, 125 मल्टीप्लाई बाई 502. अब इनको आप मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, जो वैल्यू आएगी वो आपका सम आ जाएगा. एक तो पहला पार्ट हमने कवर कर दिया. दूसरे तरफ में अगर देखें हम यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ, ध्यान देना है कि मल्टीपल्स ऑफ हमें 5 लेना है. ये तो एक पार्ट ये हुआ. दूसरा अगर क्या लेना, 5 जो फर्स्ट वैल्यू है वो 5 से डिविजिबल है. यहाँ पर वो इसके बीच में देखेंगे हम 1 से लेकर 5, 10, 15 सो ऑन 500 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5. सो यह भी एक एपी फॉर्म कर रहा है. इसमें भी क्या देखना है आपको, यह जो वैल्यू है वह क्या है. इस केस में हमें देखना है कि वह एपी फॉर्म कर रहा है. इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, ए इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 10 - 5 विच इज ऑल्सो 5 एंड ए एन इज इक्वल टू 500. ए एन की वैल्यू कितनी है, 500 है. सो ए एन को हम क्या लिखें, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 500. और इसको हम सॉल्व करें अगर, तो ए की वैल्यू कितनी है, 5 है. 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी आई मीन 5 विच इज इक्वल टू 500. सो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 500 माइनस में 5 किया डिवाइडेड बाई 5. जैसे हम कुछ सिंप्लीफाई करते हैं तो एन की वैल्यू क्या आएगी, एन माइनस 1 इज इक्वल टू 495 डिवाइडेड बाई 5. 5 से 5 नाइन जाए 45, 5 नाइन जाए 45. एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100. आई मीन देयर आर 100 नंबर्स इन ऑल. कुल मिलाकर इसके बीच में ऐसे मल्टीपल्स 5 के कितने होंगे, 100 होंगे. एंड दैट देयर सम विल बी, उसकी सम क्या होगी, एंड सम ऑफ 100 टर्म्स दैट इज इक्वल टू
100 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय a प्लस a आई मीन 5 प्लस में 500, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को सम करते हैं तो 50 हो जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 505 मल्टीप्लाई बाय 505 0 525 225 आई मीन 25,250 सम हो गई। अब इसकी सम हो जाएगी कितना याद रख लेना आपको 125 कितना है 625 225 225 625 और 2 625 और 2 627 627 62,750 and 25,250 ये दोनों तो हमने फाइंड कर लिया। अब क्या करना है इसमें देखना क्या देखिए तो इसके आगे 10 आता आई मीन कुछ नंबर से 10 यहाँ भी है और 10 यहाँ भी है इट मीन्स आई मीन इन दोनों में कुछ कॉमन मल्टीपल से दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल दीज आई मीन इसके सम को प्लस करेंगे एंड 10 के मल्टीपल्स वाले को इसमें से माइनस कर देंगे दैट विल बी योर आंसर वही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन पूछ रहा था कि फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर्स फाइंड द सम ऑफ दोज इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 500 व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 2 और 5 2 और 5 मीन्स यह कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन याद रखिए इसके सम को फाइंड किया एंड मल्टीपल्स ऑफ 10 आई मीन जो कॉमन मल्टीपल्स है दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल दीज इसके रिमेनिंग पार्ट को देखिए मल्टीपल्स ऑफ 10 है 10 20 हमने बोला था यहाँ पर कि इसका सम कैसे निकालेंगे आई मीन सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 2 निकालना था प्लस सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 इसमें से माइनस कर देना है ना माइनस सम ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 10 यानी इन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका यूज करना है इसका सॉल्व कर लेते हैं हमने दो तो फाइंड कर लिया था एक तीसरे तरफ में जो एक मल्टीपल्स आए यहाँ पर 500 भी होंगे राइट है ना क्यों क्योंकि बिटवीन वाला केस है तो बिटवीन वाले केस में हम फर्स्ट को भी काउंट करते हैं और लास्ट को भी काउंट करते हैं ये भी एक ए भी फॉर्म कर रहा है हेयर है ना हेयर ए इज इक्वल टू 10 हेयर ए की वैल्यू कितनी है 10 है ए इज इक्वल टू 10 एंड डी इज ऑल्सो इक्वल टू 20 माइनस 10 आई मीन 10 एंड लास्ट टर्म जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टर्म का हेयर होता है इज इक्वल टू 500 इज इक्वल टू में हम 500 लेते हैं 500 एंड इसको हम डिराइव करें तो एन की वैल्यू आएगी एन ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 500 तो ए की वैल्यू क्या है 10 प्लस एन माइनस वन इंटू 10 इज इक्वल टू 500 वेरी सिंपल है ना। अब इस केस में एन माइनस वन की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम 500 माइनस में 10 डिवाइडेड बाई 10 एम एन माइनस वन इज इक्वल टू 490 अपॉन में 10 कैंसिल हुआ एन माइनस वन इज इक्वल टू 49 एन इज इक्वल टू 50 एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 50 आ गई। देयर आर 50 नंबर्स इन ऑल इसके बीच में जो कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो 10 की मल्टीपल्स होंगे वो 50 नंबर में होंगे राइट है ना। नाउ देयर सम इज इक्वल टू व्हाट सो सम फाइंड करनी है s 50 वी हैव टू फाइंड s 50 आई मीन सम ऑफ 50 टर्म्स इज इक्वल टू 50 अपॉन में 2 इनटू 2a 2a आई मीन 2 इनटू a की वैल्यू कितनी है 10 a प्लस इसको डायरेक्ट हम कर सकते हैं ए एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल और इसका फॉर्मूला देखें तो इसका यूज़ करें हम इसमें एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल एम इन 10 प्लस 500 एम इन 25 मल्टीप्लाई बाई 500 10 यानी आप मल्टीपल 0 12 25 125 25 127 12750 यह वैल्यू इसकी आ गई। अगर आपको याद हो इसके साथ को इसके मल्टीपल्स के साम इसके मल्टीपल्स इस सम को माइनस कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा दैट इज योर आंसर। बहुत ही आसान है लेकिन कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस थे। नाउ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स नाउ सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49 राइट है ना सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49 राइट एंड द सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज 289 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स सो वी हैव टू फाइंड देखिए मैं बार बार बोलता हूँ व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड क्या गिवन है क्या फाइंड करना है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन एंड इन ईच क्वेश्चन वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिकॉग्नाइज व्हाट इज गिवन एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड सो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स इज 49
लेट ए वी द आई मीन एस ऐसे करो आप एस सेवन इज इक्वल टू 49 एस सेवन इज 49 इन अदर हैंड एस 17 सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स इज इक्वल टू 289 बोथ आर गिवन आई मीन ये गिवन है तो आप उसको क्या लिखिए यहाँ पर वी हैव ऐसे वी हैव जो हमें गिवन है उसको हम वी हैव पर लिख देते हैं जो गिवन है अब इस केस में आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर लेट ए बी द फर्स्ट टर्म लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ आई डी पी ऑफ एंड ए बी अब किसी ए पी का ए फर्स्ट टर्म है और डी कॉमन डिफरेंस है इसने हमको ऐसे मान लिया कि ये फर्स्ट टर्म है एंड डी कॉमन डिफरेंस है यूजुअली होता ही है बट रिप्रेजेंट करने का तरीका भी ऐसा ही है तो इस केस में क्या करें नाउ है ना नाउ इस केस में आप इसको लिख पाएंगे एस सेवन इज इक्वल टू 49 सो यू कैन बी रिटन एस यह एक फार्मूला होता है क्या के एन बाई टू आई मीन सेवन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन आई मीन सेवन माइनस वन इंटू डी विच इज इक्वल टू 49 यह इक्वल हुआ एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 49 सो इट कैन बी रिटन एस सेवन से इसको हम यहाँ डायरेक्ट उड़ा सकते हैं सेवन एंड वन बाई टू ऑफ टू ए प्लस में आई मीन सेवन माइनस सिक्स डी सो इट कैन बी रिटन एस सेवन एंड वी हैव टू टेक टू एज अ कॉमन सो फाइनली वन बाई टू मल्टीप्लाई बाई टू एंड ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू सेवन जो हम कॉमन वही लेते हैं जो दोनों में और जो कॉमन है तो उसे डिवाइड करते हैं सो उसको इलिमिनेट किया आई मीन ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू सेवन दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन यह पहला इक्वेशन हो गया एंड इन अदर हैंड हम दूसरे कंडीशन को देखते हैं तो क्या एस सेवनटीन इज ऑल्सो 289 एस सेवनटीन इज 289 एस सेवनटीन S17 is equal to 289, so it can be written as S17, I mean 17 upon by 2 into 2A plus 17 minus 1 into D is equal to 289. Yeah, very simple. इसको हम derive करेंगे, एक identity है हमारे पास, एक identity है, उसके बाद, इस केस में हम क्या करें, 17 से इसको हम cancel किया, 17, and 1 by 2 multiplied by यहाँ पर 2a plus में 16 of d which is equal to 17 and very simple whenever I mean common लेने हो तो इस केस में देखेंगे इधर भी 2 है इधर भी 2 है I mean we have to take common as 2 so 1 by 2 into 2 is equal to I mean a plus 8d and after all 17 is here cancel किया a plus 8d is equal to 17 this one is the second equation This one is second equation. I mean equation first and equation second. Now after eliminating equation first and second, we will get the value of a and d on subtracting equation second from first we get. जैसे हम second equation को first equation को हम subtract करते हैं, हम क्या find करते हैं? A plus 3d. A plus 3D is equal to 7 and 7 this one is 7 and A plus 8D is equal to 17 first equation and this one is second equation हमें पता है कि जब कभी हम subtract करते हैं तो sign नीचे वाली change होती है so this one is minus and minus and minus this is also cancelled here minus 5 of D is equal to minus 10 so cancel here 5 to the 10 D is equal to 2 D की value 2 होगी यहाँ पे जैसे हमने डी की वैल्यू 2 फाइंड कर दी तो आइदर ऑफ इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आई मीन पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट जैसे हम इक्वेशन फर्स्ट में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे आई मीन वैल्यू ऑफ ए हमने फाइंड करना है ए प्लस थ्री डी इज इक्वल टू में 7 दिस वन इज द फर्स्ट इक्वेशन सो डी a plus 3 into 2 is equal to 7 so a plus 6 is equal to 7 a is equal to 7 minus 6 is equal to 1 a की वैल्यू 1 and d की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 अब आपने देखना a और d भी फाइंड कर दिया राइट है ना अब क्वेश्चन क्या था कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ फाइनल ए बी इज 49 एंड दैट ऑफ द 17 टर्म्स इज 289 नाउ फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स वेरी सिंपल अब सम ऑफ n टर्म्स की लिए क्या करेंगे sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 That is 2a plus n minus 1 into t. 2a plus n minus 1 into t. n by 2, that is 2 into a की वैल्यू हमने 1 लेनी है, plus n into n ही रहेगी, minus 1 into t 2 कर देंगे यहाँ पर. यानी n by 2 of 2 plus n minus 1
हमें इसको क्या लिख पाएंगे हम 2n माइनस 2 सो ये तो कैंसिल हुआ और n बाई 2 फाइनली क्या हुआ यहाँ पे इसकी वैल्यू तो हम इधर लिख देते हैं ऐसे n बाई 2 n अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई 2n टू एन ए कैंसिल हुआ दैट इज एन स्क्वायर आपका आंसर क्या हुआ एन स्क्वायर बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सो यू हैव टू रिवाइज एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स इन ऑल एंड सम ऑफ द थ्री टर्म्स आई मीन थ्री मिडिल मोस्ट टर्म्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग थ्री मिडिल मोस्ट दिस वन इज थ्री मिडिल मोस्ट टर्म्स आई मीन मिडिल मोस्ट टर्म्स फाइंड करने के लिए कंसेप्ट याद कर जाना है आपको कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स में क्या करना है वी हैव टू ऐड वन सपोज देर आर 37 टर्म्स इन ऑल एंड वी हैव टू फाइंड द मिडिल मोस्ट टर्म्स सो प्लस वन आई मीन 38 डिवाइडेड बाई 2 वी विल गेट 19 आई मीन 19 इज द मिडिल मोस्ट टर्म राइट है ना तो 19 आई मीन 17 18 19 एंड 20 18 19 एंड 20th टर्म These are the middle most terms. 18, 19 and 20th term. 18, 19 and 20 terms are the middle most terms. इसमें करना क्या था कि आपको total number of terms में plus one करना है. And AP consists of 37 terms in all. And some of the three middle most terms. We have to find the middle most terms. The middle most find करने के लिए we have to add 1 to the total number. We will get 38. Then divided by 2. आई मीन 19 इज द मिडिल मोस्ट तो वन सब्ट्रैक्ट करना है वन ऐड करना है आई मीन एक पहले और एक बाद में 18 एंड 19th टर्म 18 19th एंड 20th दीज आर द थ्री मिडिल मोस्ट टर्म्स ऑफ द टोटल 37 टर्म्स राइट एंड देयर सम इज इक्वल टू 225 देयर सम इज इक्वल टू 225 और इनकी सम कितनी है तो वी हैव टू फाइंड आई मीन A18 प्लस A19 प्लस A20 आई मीन थ्री मिडिल मोस्ट टर्म्स 18th 19th एंड 20th इज सम इज इक्वल टू 225 दिस वन इज गिवन इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या कर रहा था कि जो मिडिल मोस्ट टर्म फाइंड करनी थी मिडिल मोस्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं टोटल नंबर में प्लस वन डिवाइडेड बाई टू वी विल गेट द मिडिल वन एंड वी हैव टू सब्ट्रैक्ट और एड आई मीन वन प्लस करेंगे माइनस करेंगे बाई एडिंग वन वी गेट द नेक्स्ट नंबर क्योंकि सक्सेसर नंबर फाइंड करने के लिए हम प्लस करते हैं सिमिलरली प्लस वन किया और माइनस वन किया 18, 19 एंड 20 दीज आर द मिडिल मोस्ट एंड देयर सम इज इक्वल टू दिस वन तो इसके सम को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है इसको एक नॉर्मल फार्मूला जो है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन ऑफ डी ये एक जो जनरल फॉर्म है इसका यूज करें इसमें से क्या होता है जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उसमें से एक कम कर लेते हैं आई मीन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स सो दिस वन इज रिटन एज ए प्लस 17 ऑफ डी प्लस ए प्लस 18 ऑफ डी एंड ए प्लस 20 ऑफ डी इज इक्वल टू 225 आपने देखा कि इसको दिस वन रिटन एज दिस वन आई मीन पॉजिटिव साइन होने पर ब्रैकेट का कोई असर नहीं होता है सो थ्री ऑफ ए प्लस इन सबको प्लस कीजिए 20th टर्म ए प्लस 19 यहाँ लिखो ए प्लस 19 ऑफ डी राइट है ना ए प्लस 17, 18 एंड 19 राइट इसको हमने लिख दिया 3A 17, 18 एंड 19 17 51 52 53 54 एक्चुअली दोस्तों में 2 और 3 प्लस कर देंगे आई मीन 17 17 17 51 51 52 53 54 54 ऑफ डी इज इक्वल टू 225 अब इन तीनों हमने देखना है कि कॉमन क्या है कॉमन वही होता है जो सबको आई मीन सब में अवेलेबल हो सो वी हैव टू फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ ऑल आई मीन 3 सो वी हैव टेक 3 एज अ कॉमन 3 हमने कॉमन ले ली तो क्या बचे मेरे पास a प्लस 18 ऑफ d एंड इज इक्वल टू 225 को यहाँ से हम एलिमिनेट कर सकते हैं यहाँ पर 75 एंड a प्लस 18 ऑफ d इज इक्वल टू 75 दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन यह एक फर्स्ट इक्वेशन हुआ एंड सेकेंड केस क्या बोला था इसमें एंड द सम ऑफ द लास्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन ए पी आई मीन दिस वन लास्ट थ्री टर्म्स मेरे पास 37 टर्म्स हैं आई मीन 35 36 एंड 37 जो लास्ट थ्री टर्म्स हैं आई मीन ए 35 ए 36 एंड ए 37 इन तीनों को अगर हम प्लस कर दें इसका सम क्या होगा 429 यह इस क्वेश्चन समझिए कि लास्ट थ्री टर्म्स की सम जो है 35th 36th एंड 37th टर्म इनकी सम क्या है 429 है तो लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन है एंड कर दीजिए अब इसको आप क्या लिख पाएंगे ए प्लस इसी फार्मूले से इस फार्मूले से ए प्लस 34 ऑफ डी
and a plus 35 of d plus a plus 36 of d. 36 of d is equal to 429. पॉजिटिव साइन होने से ब्रैकेट का कोई असर होता ही नहीं. सो दिस वन इसको प्लस कर दे, आई मीन यार क्या हो जाएगी 3a प्लस 35 इनटू 3. 35 इनटू 3 कर दो आप ऐसे 105 d 35 5 4 9 3 30 30 30 90 90 100 105 d is equal to 429 and we have to take 3 as a common. So a plus 3 3 9 3 5 15 35 d is equal to 3 143. This one equation second. इक्वेशन हो गए. अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करें तो क्या पाएंगे, a और d की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे. ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, इन दोनों को देखिए a की सिमिलर वैल्यू है. सो वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट, नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो a प्लस d ऑन सब्ट्रैक्टिंग डायरेक्ट लिखता हूँ मैं यहाँ पर, a प्लस 18 ऑफ d इज इक्वल टू 75 एंड a प्लस 3 ऑफ d 35 ऑफ d इज इक्वल टू 143. माइनस 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 यहाँ लिखना जरूरी होगा ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होती है. ये तो कैंसिल हुआ और इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 18, यहाँ पर 17 हो जाएगी ना. माइनस 17, माइनस 17 ऑफ d 18 और 17, राइट है ना. 18 सेवन 25 35 ठीक है, और इसमें से माइनस करेंगे तो इज इक्वल टू माइनस 13 माइनस 5 13 माइनस 5 8. इसकी वैल्यू हम निगेटिव ले लेते हैं. इसकी वैल्यू हमें यहाँ पे क्या आएगी वैल्यू 13 माइनस 5 यानी 8 है ना, 4 3 6 68, माइनस 68 ये कैंसिल किया दोनों. डी इज इक्वल टू 68 अपॉन में 17 17 4 जा डी की वैल्यू क्या हो गया मेरे पास 4 आ गई. डी की वैल्यू हमने 4 फाइंड कर ली. अब मुझे क्या फाइंड करना है, ए की वैल्यू फाइंड करना है. चूंकि फाइंड द ए पी एंड ऑल्सो सम ऑफ 37 टर्म्स, यह लॉन्ग क्वेश्चन है, कोई बात नहीं. अब डी की वैल्यू तो निकल चुकी है, अब किसी एक में पुट कर दीजिए आप आसानी से. पुटिंग द वैल्यू ऑफ यहाँ पर ऐसे देख लो आप, इस केस में हम क्या करें, ए प्लस 35 ऑफ डी, ए प्लस 35 ऑफ डी इज इक्वल टू 143. सो ए प्लस 35 इंटू 4 इज इक्वल टू 143, ए प्लस 140 इज इक्वल टू 143. सो ए इज इक्वल टू 3, ए की वैल्यू 3 आ गई. ए 3 है, डी 4 है, राइट है ना. तो ए पी क्या फॉर्म होगी, ए पी कैसे निकालते हैं हम लोग, ए पी फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस को प्लस कर दिया जाते हैं. जैसे हम डिफरेंस को हम ऐड करते जाएँ वी विल गेट द नेक्स्ट टर्म्स 3 3 4 7 7 4 11 11 4 15, सो ऑन वी विल गेट एन ए पी. एक ए पी हो गई. मुझे क्या पूछ रहा था, फाइंड ए पी एंड ऑल्सो सम ऑफ द 30 ऑल 37 टर्म्स. इट मीन्स वी हैव टू फाइंड, आई मीन ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 4 एंड एस 37 इज इक्वल टू 37 अपॉन में 2 ऑफ 2a 2 इंटू 3 प्लस 37 माइनस 1 इंटू डी आई मीन 4. इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान डायरेक्ट फार्मूला हमने पुट कर दिया. 37 अपॉन में 2 इंटू 6 प्लस 36 इंटू 4 आई मीन 37 अपॉन में 2 इंटू 144 150 आई मीन 75 37 इंटू 75. इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर इज हियर. थैंक यू सो मच, यू हैव टू कीप वॉचिंग. आप इस तरह के सवाल को देखते रहे, आई थिंक सभी सवाल आपने को भी समझा होगा. आप पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री को कंजिक्यूटिव वे में आप रिवाइज करें, यू विल गेट एब्सोल्यूट आंसर. थैंक यू सो मच.